ओम नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की साधना एवं उपासना करने से इंद्रलोक में जाने का और इंद्रलोक की ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र साधना एवं मंत्र शक्तिपात जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, मंत्र शक्तिपात अगर वो सुनते हैं तो उनकी ऊर्जा तक आपकी चेतना और आपकी पूजा अर्चना उनके चरणों में पहुंचेगी। आप अपने जीवन में आंख बंद कर इस मंत्र शक्तिपात को अगर 1 साल तक सुनते हैं तो आपकी ऑरा में, आपकी आत्मा में इंद्रलोक में जाने का, मोक्ष की दिशा की ओर जाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम ब्रह्मचारिणी पदम पदम मोक्षम इंद्राय नमः। इंद्रते वाहम ब्रह्मचारिणी वश्यामः नमः। त्रदवः 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 विन्दस्या माता ब्रह्मचारिणी नमः। वदव्यः ब्रह्मक वंदव्या त्रदम मोक्षाय इंद्राय विद 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 इंद्रलोकाय वंदवाश्यः महानमः। ओम नमः। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र शक्तिपात को 1 साल तक दिन में 1 बार लगातार सुने। यह मंत्र शक्तिपात आप कभी भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह मंत्र शक्तिपात अवश्य सुने और परिवारजनों को सुनने की प्रेरणा दे। ओंकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे और माता ब्रह्मचारिणी की तेजोमय कृपा आपकी आभा में, आपकी ऑरा में, आपकी आत्मा में प्रविष्ट हो। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः।